दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिंट योर थिंक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर कैनन पिक्समा G2000 के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये प्रिंटर बेसिकली होम यूज के लिए और स्मॉल बिजनेस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आइए इसके कुछ फीचर्स वगैरह और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये मल्टीफंक्शन कलर प्रिंटर है, ये प्रिंट के साथ स्कैन और कॉपी के साथ में आता है, जिसमें एक ऊपर स्कैनर होता है जिसे आप फोटोकॉपी या पेपर स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रिंटर को का जो पेपर फीडर है इसमें एक साथ 100 पेपर डालने की सुविधा है। इस प्रिंटर से आप A4, A5, B5 लेटर, लीगल साइज के पेपर प्रिंट कर सकते हैं, साथ में कलर फोटोग्राफ्स वगैरह निकाल सकते हैं, जैसे कि A4 का, 4/6, 5/7 का। इसी के साथ आप इसमें 4/6 और 5/7 का जो इन्वेलप होता है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी स्कैनिंग स्पीड है 19 सेकेंड में ये एक पेपर स्कैन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंटर A4 ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंट होता है वो 1 मिनट में 8 पेज प्रिंट करता है और 5 पेज कलर प्रिंट 5 पेज 1 मिनट में कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रिंटर का जो कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट, वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेगा तो आपका 9 पैसा प्रति पेज पड़ेगा, और अगर कलर प्रिंट करते हैं तो 21 पैसा प्रति पेज इसका कॉस्ट पड़ता है, जो कंपनी बताती है। दोस्तों इसमें अलग से टैंक लगा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में प्रिंट कर सकते हैं एक साथ, और दूसरा चीज़ है कि इसे टैंक होने की वजह से इसमें प्रिंटिंग का कॉस्ट जो है कम पड़ता है, और जब टैंक ख़त्म हो जाएगा, टैंक में जो इंक है जैसे कि उसमें सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, 4 कलर का टैंक लगा हुआ है, उसमें इंक ख़त्म हो जाने के बाद आप अलग से बोतल इसका आता है वो आप ले करके उसमें फिर से रिफ़िल कीजिएगा तो वो काम करेगा। ठीक है तो बेसिकली ये प्रिंटर ठीक है, और इसमें जो है कि ये इस तरह का प्रिंटर जो होता है इंक वाला होता है, तो इसमें क्या है कि रेगुलर आपको उसको चलाना पड़ेगा। अगर आप उसको मान के चलते हैं कि अगर आप 1 सप्ताह का उसको छोड़ देते हैं, नहीं चलाते हैं, तो उसका जो इंक का जो हेड है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है या प्रिंट आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको कम से कम हर दिन 1 पेज तो निकालना ही चाहिए इससे, तो जा कर के इसका इसमें इंक सूखने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। ये अधिकतर गर्मी के दिनों में होता है कि अगर आप इसको 1 सप्ताह छोड़ देंगे तो उसका इंक का नोजल है वो सूख जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप प्रिंटर लेंगे तो उसके साथ में कार्टेज का हेड, प्रिंटर के साथ में कार्टेज का हेड मिलेगा, जो सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक का इंक का बोतल मिलता है, और एक USB केबल मिलता है, साथ में यूजर मैनुअल और इंस्टॉलेशन CD साथ में दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कि ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको अगर इंस्टॉलेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन मार्केट से भी आप लीजिएगा तो इंजीनियर आपके घर में आकर के इंस्टॉलेशन कर देता है। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी ठीक लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से प्रिंटिंग और प्रिंटर से रिलेटेड चीज़ों की वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।